अस्सलाम वालेकुम यूट्यूबर फैमिली, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो ये जापानी फल मैंने नायक करके दिया, 7 बादाम और 3 बिस्किट दिए मैंने। तो कुछ लोग कहते होंगे क्या सुबह सुबह हमें टिफ़िन दिखाने लग जाती हैं, दिखाने का कुछ ये होता है, कुछ लोगों को नहीं पता होता कि अपने बच्चों को क्या दें। थोड़ा आइडिया दे रही हूँ क्योंकि जिनके बच्चे वीक हैं तो उनको लाजमी बच्चों को दूध भी पिला के भेजा करें और टिफ़िन तैयार करा करें। तो आएंगी तो उसके बाद उनको खाना भी खिलाया करें 12 बजे के बाद। तो ये नया जा रही है ठीक है स्कूल, तो उसके बाद से पापा रास्ते में सामान भी लेके आ गए बच्चों का ना, तो ये आटा भी लेके आ गए थे 5 किलो ठीक है, घर में ना आटा ख़त्म हो गया तो वो लेके आ गए। साथ में मैंने से फ्रूट मंगवाए थे मैंने बच्चों के लिए ना, तो ये केले मंगवाए थे और साथ में मैंने ना ग्लूको बिस्किट और पीनट बिस्किट, ग्लूको मैंने नायक स्कूल में दूँगी और पीनट में कोई आ जाता तो उसको भी रखूँगी। ब्रेड अंडे लेके आए हैं और साथ में ना वो जाके एप्पल लेके आए हैं जाके ठीक है। तो ये सामान लेके आए हैं, उसके बाद अनाया स्कूल से आने वाली थी तो वो आई है, तो हमने नाश्ता कर लिया उनके साथ बच्चों के साथ ना। ये जिस पारे से होके आ गए हैं तो इनको भूख लग रही थी दोबारा से, तो मैंने सोचा इनको ना फल खिला देते। इसके पापा फल लेके थे सुबह बनाना और एप्पल, 2 मैंने एप्पल अनाया को दिए हैं, 2 मैंने बीत को दिए हैं और 2 मैंने बनाना इनको दोनों को दिए हैं ठीक है ना। तो ये खाएँगे उसके बाद ट्यूशन जाएँगे। फिर आज आपकी वीडियो पे बहुत स्पेशल, आज मैं एक नई चीज़ बनाऊंगी आप लोगों के लिए, तो आप लोग ना वीडियो फुल देखा करें ठीक है। ये मेरे सास ससुर आए थे तो मैं इनके आगे फल फूल और खाना बड़े मज़े की हम जा बनाने लगे मैक्रोनी नूडल के साथ, बहुत बनने वाले बस अच्छी। आज बनाएंगे मैक्रोनी के साथ नूडल, बहुत मज़े की टेस्टी बनेगी, आसान रेसिपी ठीक है ना। तो इसके लिए एक नूडल चाहिए और पाइया मैक्रोनियाँ बाल लेते हैं अब हम। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और 1 चम्मच मैंने बस थोड़ी सी मैंने नमक डाला, ज़्यादा नमक नहीं डाला, कम डाला नमक। उसके बाद मैंने मैक्रोनियाँ डाल दी हैं ठीक है। जब मैक्रोनियाँ उबल जाएंगी, थोड़ी सी कसर रहेगी ना, मतलब सारी उबल जाएंगी, फिर हम अपना ये नूडल का पैकेट डालेंगे ठीक है। छोटी शिमला मिर्च ले लें आप ठीक है, और छोटी गाजर ले लें, इसको ब्रीफ ब्रीफ आप चॉप करके रख दें ठीक है। एक टमाटर भरा लिया, छोटा प्याज लिया मैंने, और थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ा सा नमक है, गर्म मसाला साबुत है पिसा हुआ, और थोड़ी सी काली मिर्च है, कुटी मिर्च है सूखा, ये थोड़ा सा ना मेरे पास कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ था मैंने थोड़ा सा वो डाला। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला चाट मसाला कोई भी थोड़ा सा डाल दें आप ठीक है। ये मैंने कढ़ाई मसाला थोड़ा सा लिया है, सूखा धनिया मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ लिया ठीक है, और थोड़ी सी ये लाल मिर्च है। और ये देखिए अब इतनी आसान से आप घर में बनाए बहुत मज़े की जूसी मैक्रोनी नूडल। ये देखिए पानी हमने इतना डालना है कि पानी सूख जाए इसमें ठीक है ना, ज़ाया नहीं करना इसका पानी, हमने निकालना है जो गाढ़ा गाढ़ा पानी होता है ना। अब इसके अंदर मैं नूडल डाल दूँगी ठीक है। मैक्रोनियाँ मेरी उबल गई है, नूडल में टाइम नहीं लगता तो इसलिए मैं नूडल ना एंड पर डाल लेंगे। देखिए इसका ना सारा पानी ऊपर वाला निकाल दूँगी मैं, ये देखिए ये हो जाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। जो इसका पैकेट होता है वो हम इसके अंदर डालेंगे, बहुत मज़े के बनेंगे चटपट। ये देखिए मैंने इसको छान लिया ठीक है, जो इसका पानी था ना ये मैंने निकाल दिया गाढ़ा गाढ़ा, ये ज़ाया नहीं करना, या आपने इतना पानी डालना कि ये गाढ़ापन रहे, या आपने निकाल देना। और ये देखिए मैंने इसको छान ली, थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया इसके अंदर, प्याज के साथ मैंने ज़ीरा भी डाल दिया है, तो थोड़ा सा आपने गोल्डन करना, ज़्यादा पकाना नहीं है आपने इसको ना। इसमें आपने थोड़ा सा ना लहसुन अदरक डाल देना ठीक है। ज़्यादा आपने पकाना नहीं, गोल्डन नहीं करना आपने ठीक है। देखो थोड़ी सी कैप अपनी शिमला मिर्च डाल दी, थोड़ी सी मैंने गाजर डाल दी इसके साथ ही, इसको भी थोड़ा सा ना फ्राई कर लेंगे। चिकन डालना वो आपकी मर्ज़ी, नहीं कि चिकन के बगैर भी अच्छी बन जाती है। मैंने टमाटर भी इसमें डाल दिए क्योंकि टमाटर ना घुल जाएंगे इसके अंदर ही, ग्राइंड नहीं करके डाले हमने, इस तरह ही डाले हैं ठीक है। अब इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे ठीक है, और थोड़ा सा ना थोड़ा सा ये चिली सॉस डालेंगे ठीक है, 1 ढक्कन सिलका डालेंगे ठीक है। अब इसको मिक्स लेते हैं, अब इसके अंदर ना नूडल का पैकेट डाल देंगे, इसे थोड़ा ना गाढ़ा गाढ़ा हो जाएगा हमारा ना सॉस, डाल दिया हमने। उसके बाद ना थोड़ा सा ये जो गाढ़ा पानी है ना ये ऐड करेंगे बीच में, ये मिक्स करते हैं। देखिए ना सॉस बनी है ना गाढ़ी गाढ़ी, इसमें डालेंगे हम। ये देखिए गाढ़ा गाढ़ा सॉस हो गया था ना, इसमें हमने मैक्रोनी डाल दी।
देखिए कितने प्यारे से अच्छी बनी है, जूसी जूसी है। ये देखिए मैंने हल्की आंच पे दम पर लगा दी है इसको, ठीक है। और नमक अपने हिसाब से डाल देने के, कम नमक कम ही रखना क्योंकि हमने पैकेट के में नमक भी होता है और हमने उबाली जब करती तब भी नमक था। देखिए थोड़ी थोड़ी शिमला मिर्च मैंने गाजर बचा ली है, लेकिन आप ना छोटी सी शिमला छोटी में गाजर ले लेना। ये देखिए बन गई है, ये देखिए आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है, और लाइक और शेयर लाजमी कीजिए, ठीक है। जो मेरी वीडियो पे न्यू है तो उनको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किए। अच्छी वीडियो लगी तो मुझे लाजमी अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।